आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। इसमें जो नंबर वन फैक्टर है वो है फैमिली, यानी फैमिली के अंदर पेरेंट्स और जो हमारे रिलेटिव्स हैं जैसे कि भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, इनके जो सोशलाइजेशन का जो पैटर्न होगा, जो भी तरह का ये बिहेवियर करते हैं, तो इसी को बच्चा सीखता है और वो फिर उसी तरह से सोसाइटी के अंदर सोशलाइज करता है। जैसे अगर पेरेंट्स काइंड हार्टेड हैं, सिंपैथेटिक हैं, तो बच्चा भी ये क्वालिटीज़ पेरेंट्स से पिक करता है और जब भी कभी वो सोसाइटी के अदर मेंबर्स से इंटरेक्ट करता है तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है, यानी काइंड हार्टेडनेस, ये क्वालिटी उसमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर परिवार का माहौल जो है वो उस तरह का नहीं है, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, तो ये भी जो है एक रूडनेस, एग्रेसिवनेस, ये बच्चे के अंदर अगर आता है तो वो भी फैमिली की तरफ से आता है। तो हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन में फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करने वाला जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हेरिडिटी, यानी जिस फैमिली के अंदर अगर कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग ज़्यादा हैं, जैसे उनके पेरेंट्स, भाई बहन, तो ये चीज़ बच्चे के अंदर भी देखने को मिलेगा। और अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो भी बच्चा वो चीज़ को पिक करता है। अगर फैमिली के अंदर पॉलिटिक्स के ऊपर, सोशल वर्क के ऊपर ज़्यादा बातचीत होती है तो ये भी चीज़ बच्चा फैमिली से अपने सीखता है और ये चीज़ फिर उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस में नज़र आती है। सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट, यानी बच्चा किस इन्वायरमेंट में है। अगर वो ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर सोशल वर्क या फिर सामाजिक कार्य में बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये चीज़ उसके अंदर भी आएगी, और बनिस्बत इसके कि जहाँ पर लोग बिल्कुल आइसोलेटेड होके रहना पसंद करेंगे तो फिर वो चीज़ भी बच्चे के अंदर नज़र आती है और सोशलाइजेशन में ये फिर दिखता है कि बच्चे किस इन्वायरमेंट में पला बढ़ा है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी इन्वायरमेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। अब जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोशल कंडीशन ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स बहुत सोशेबल हैं, सोसाइटी के में बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लेते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं और सोशल वर्क करते हैं, तो ये चीज़ जो है बच्चे के अंदर भी ट्रांसमिट होती है और बच्चा भी सोशलाइजेशन वहाँ से सीखता है और उसमें जो है सोशलाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है, बनिस्बत उन पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थोड़ा आइसोलेटेड रहते हैं और सोशल वर्क में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत हद तक सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ होंगे तो उनके बच्चे जो हैं ज़्यादातर अपना ध्यान पढ़ाई पे और लोगों से मिलने जुलने में और सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स से इंटरेक्ट करने में उनका टाइम गुजरेगा और वो सोशलाइजेशन को तेज़ी से सीख पाएंगे। और कंपैरेटिवली वैसे बच्चे जो इकोनॉमिकली ज़रा बैकवर्ड हैं तो उनका जो है ज़्यादा टाइम मनी अर्निंग में गुजरेगा और वो जो है उनका सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी कंपैरेटिवली स्लो होगा। एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो भी सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर स्कूल का एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर
एजुकेशनल गोल्स है स्कूल का, तो ये जो चीज़ है वो बच्चे के अंदर छोटे स्टेज से ही दिखती है, और जब भी कभी वो सोसाइटी के अदर मेंबर्स से इंटरेक्ट करेगा तो ये सोशलाइजे वो कैसे कर रहा है ये चीज़ नज़र आएगी। और कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे डिसिप्लिन और इन सब चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है, तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। फिर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है हेल्थ ऑफ़ द चिल्ड्रन। अगर बच्चा हेल्दी है, स्वस्थ है, तो वो जो है हर एक सोशल इंट्रैक्शन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो इंटरेस्ट लेगा और वो फिज़िकली मेंटली उस चीज़ के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन जो बच्चा अगर किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं है या मेंटली चैलेंज्ड है या और भी तरह के इश्यूज हैं, तो उसका जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली स्लो होगा। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसके अंदर, वो है इंटेलिजेंस। यानी इंटेलिजेंस भी बहुत हद तक सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है। अगर कोई बच्चा उसकी IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेशेंट उसकी ज़्यादा है तो वो बच्चा सोशलाइज भी अच्छे तरीके से करेगा और वो तेज़ी से सोशलाइजेशन के प्रोसेस को सीखेगा उन बच्चों के मुकाबले में जिनकी की IQ कम है। क्यों? क्योंकि उनको चीज़ों को समझने में ज़्यादा वक्त लगेगा। हाई लाइफ स्टैंडर्ड रिलेटेड है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स से, तो इसको हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आते हैं बिहेवियर ऑफ टीचर के ऊपर। यानी टीचर का व्यवहार किस तरह का है बच्चे के साथ, ये भी सोशलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। देखा गया है कि जो टीचर्स बच्चे के ओवरऑल डिवेलपमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी चीज़ों में उनको बताते हैं, सिखाते हैं, उनके अंदर अच्छे वैल्यूज़ डेवलप करने में उनकी मदद करते हैं, वो बच्चे ज़्यादा तेज़ी से सोशलाइज करते हैं और सोशल जो बिहेवियर है उसको सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जब कभी भी उनका इंट्रैक्शन सोसाइटी से होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोशल ट्रेनिंग। सोशल ट्रेनिंग के अंदर ये है कि जैसे बच्चा अगर दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद करता है या घूमने फिरने जाता है, तो इस दौरान भी उसका बहुत सारे सोसाइटी के अदर मेंबर्स से इंटरेक्शन होता है और वो वहाँ से भी उनके साथ किस तरह से सोशलाइज़ करना है, कैसे उनके साथ उठना बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, ये चीज़ वो सीखता है। एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट सोशलाइजेशन का है वो है इमिटेशन। यानी कि अपने बड़ों को देख करके अगर कोई चीज़ उनके अंदर उसको इन्फ्लुएंस करती है, इंटरेस्ट जगाती है, तो वो उनको देख करके इमिटेट करना। यानी अगर कोई अगर उनके रोल मॉडल्स हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, तो वो बच्चा इन्फ्लुएंस होकर के ये क्वालिटीज़ अपने रोल मॉडल से सीखेगा और अपनी लाइफ में भी इसको अपनाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर है सिंपैथी। सिंपैथी जो है वो बहुत ही तेज़ी से बच्चे को दूसरे समाज के अन्य मेंबर्स से जोड़ती है और वो बहुत ही काइंडनेस के साथ लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में, उनके साथ उठने बैठने में, बातचीत करने में इसका इस्तेमाल करता है। तो सिंपैथी जो एक ट्रेट है वो भी बच्चे को सोशलाइज करने में मदद करती है। फिर है अवार्ड एंड पनिशमेंट। अगर हम बच्चे की किसी अच्छी चीज़ के लिए उसको अवार्ड करते हैं किसी एक आदत के लिए, तो वो उस चीज़ को पिक करेगा और उसको कंटिन्यू करेगा। और अगर उसने कुछ गलत किया है और उसको पनिशमेंट मिलती है, अप्रोप्रिएट पनिशमेंट, तो वो उस चीज़ को नहीं करेगा। इस तरीके से हम अवार्ड और पनिशमेंट के ज़रिए बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं, या अगर वो गलत तरीके से सोशलाइज़ कर रहा है कहीं पर तो उसको हम रोक सकते हैं। फिर फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में। जो बच्चे कंपैरेटिवली फिजिकली हेल्दी हैं उनके अंदर हर तरह का सोशल जो काम है उसको करने के लिए एक इंटरेस्ट रहेगा, वो बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेंगे और लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और बनिस्बत उन बच्चों के जो कि फिज़िकली उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं और उनका उतनी अच्छी तरीके से डिवेलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो कंपैरेटिवली उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस भी स्लो होगा। फिर है पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स भी बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। अगर बच्चा कॉन्फिडेंट है, उसके उसको प्रॉपर प्यार मिला है और उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सही तरीके से हुई है, तो वो जो है उसकी सोशलाइजेशन भी कहा जा सकता है कि अच्छी होगी। वो लोगों के साथ सही तरीके से उठना बैठना, बातचीत करना, व्यवहार करना सीखेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बात को सही तरीके से कहना बोलना नहीं जानता है, तो वो फिर उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस को हैम्पर करेगी यानी रोकेगी। इन सारे एलिमेंट्स या फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर बच्चा कहाँ घूमने फिरने जाता है, किन के साथ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट उसका क्या है, कहाँ वो खेल कूद रहा है, और भी दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ कहाँ कर रहा है। कुछ बच्चे जिम जाना पसंद करते हैं या और भी दूसरी तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये जो जगह होती हैं वो भी बच्चे के सोशलाइजेशन के प्रोसेस में मदद करती है और इन्फ्लुएंस डालती है।